दोस्तों वैसे एक यूट्यूबर के लिहाज से ध्रुव राठी का कंटेंट हमेशा मुझे पसंद आता रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ध्रुव राठी एक और चीज बहुत क्यूटनेस से करते हैं, बड़े प्यारे तरीके से करते हैं, मिमिक्री। दोस्तों कुछ हो ना हो, मोदी जी ने इस बेचारी लड़की का एक्टिंग करियर तबाह कर दिया है। इसने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी के चुनावी कैंपेन वाले वीडियो में मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, पापा ये कहना इसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। अब कुछ भी हो हर बात पर इस बेचारी की मीम बनने शुरू हो गए। ऐसे ऐसे मीम बेचारी के इस फ्रेम पर बने हुए हैं कि बस पूछिए मत। इस बेचारी लड़की का मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा ये कहना इतना वायरल हो गया कि इसकी मिमिक्री खुद ध्रुव राठी ने की है। दोस्तों ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली इस एड की वैसे ही बखिया उधेड़ी है जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बीजेपी का एक चुनावी कैंपेन जिसमें बताया जा रहा है कि वॉर जोन से मोदी सरकार ने बच्चों को निकाला, भारतीय बच्चों को निकाला, बाकायदा मोदी जी ने फोन किया और मोदी जी ने राष्ट्राध्यक्षों को फोन करके, रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों को फोन करके वॉर रुकवा दी, जबकि ये टोटल झूठ है। एग्जैक्टली यही बात ध्रुव राठी ने बोली। हालांकि ध्रुव राठी ने संजीदगी से इस मुद्दे पर वही बात बोली जो मैंने भी आपको बोली थी कि जो मोदी जी पिछले कई महीनों से मणिपुर में हालात नहीं सुधार पा रहे हैं, वहां के एक फाइटर को बकायदा माइक लेकर मोदी जी से गुहार लगानी पड़ रही है कि मोदी जी मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में आइए, मणिपुर में हालात ठीक कीजिए, वहां तो हालात ठीक कर नहीं पा रहे, लेकिन मोदी जी का चुनावी कैंपेन कहता है कि मोदी जी ने दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को फोन करके वॉर रुकवा दी, जबकि मोदी जी का ही विदेश मंत्रालय इस तरह की खबरों का पूरी तरह से खंडन कर चुका है। मतलब इस लड़की को जब ऑफर आया होगा कि आपको बीजेपी के चुनावी कैंपेन में एक्टिंग करनी है, बेचारी कितनी खुश हुई होगी, लेकिन आप बताइए इस बेचारी लड़की का क्या ही करियर रह गया है, मीम बन के रह गया इस लड़की का करियर। अब तो ध्रुव राठी ने भी इतनी क्यूट मिमिक्री कर दी इसकी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।